आशुतोष उस्मान की अगली आने वाली किस्त होने वाली है बहुत ही जबरदस्त और धमाका खेज। इस किस्त के दोनों ही ट्रेलर बहुत ही सनसनी खेज थे। पहले ट्रेलर में तो सब लोग अलबाया के मौत के दुख से ही नहीं निकले थे के दूसरे ट्रेलर में हमें गोंचा, बाला खातून, होलोफिरा और हानबे, बेगम खातून, जयाल कुताई और तमाम लोगों को जख्मी हालत में दिखाया गया है। कौन शहीद होगा, कौन जिंदा बचेगा, ये तो हमें ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हम अपनी राय के मुताबिक तारीख को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पहले भी हमने जो भी प्रेडिक्शन की थी वो तकरीबन सच साबित हुई है। पहले ट्रेलर में जो अलबाई अलब पर लोकास हमला करता है तो इससे मुझे लगता है कि अलबाई अलब की मौत नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है अलबाई उस्मान की नस्ल से है और इसका राज भी उस्मान पर खुलना ही चाहिए। फिर राज के खुलने के बाद सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करने का भरपूर मौका भी मिलेगा और इसे कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। वैसे भी अलबाई की खूबसूरत एक्टिंग और एक्शन सीन्स की वजह से ड्रामे के अंदर खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और अलबाई का किरदार मद्दाहों के लिए बहुत दिलचस्प है, लिहाजा इसके किरदार को अभी खत्म नहीं किया जाएगा। और जिधर इसको चाकू लगा है, इस चाकू के लगने से तो इसकी मौत बिल्कुल भी नहीं होगी। पीछे से उस्मान या कोई और सिपाही आकर इसको बचा लेगा या फिर लोकास का मुकाबला करके ये खुद ही वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो तो हमें अगली किस्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अलबाई अलब की मौत अभी नहीं होगी, लेकिन ये बात है कि अलबाई अब जासूसी के फराइज सर अंजाम नहीं दे सकेगा, क्योंकि लोकास और सोफिया के सामने इसकी हकीकत वाजे हो चुकी है और अब कबीले में ही इसको कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अब बात करते हैं लोकास और सोफिया के बारे में, जो कि सोगोत में फंस गए थे। सोगोत के बाजार में जंग तो जरूर होगी, लेकिन हो सकता है सोफिया ने हालात को मद्देनजर रखते हुए पहले ही कोई और प्लानिंग कर रखी हो और लोकास और सोफिया किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अपने किले में जाकर वो दोनों जासूस के बारे में गुफ्तगू करेंगे, फिर इसका पता लगाने के लिए प्लानिंग करेंगे। फिर हमने देखा कि उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की कि अलबाई अलब का पता भी लगा लिया कि वो जासूसी के फराइज सरंजाम दे रहा है। सोफिया बाला से बदला लेने के लिए बहुत बेचैन है और इस किस्त में उस काफले पर हमला कर देगी जो बाला, होलोफिरा और गोंचा की क्यादत में जा रहा होगा। वहाँ पर वो सबको जख्मी कर देगी और कारवा को आग लगा देगी, जिससे सारा सामान जल जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सोफिया बाला को मार देगी। उस्मान बेबसी से वहाँ पर जाते हैं और बाला को सोफिया के हाथों में देखकर परेशान हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सिर्फ उस्मान की अपनी सोच होगी कि सोफिया ने बाला को मार दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला, ये सिर्फ एक ख्वाब या ख्याल ही होगा। हो सकता है अगली किस्तों में सब जख्मी हो जाएं, जैसा कि ट्रेलर से जाहिर है। और हान बे को भी तलवार लगी है, अलाउद्दीन बे भी किसी से बहुत गुस्से में जंग कर रहे हैं, जैर कुताई को तीर लगा है, गोंचा, होलोफिरा, बेगम खातून सबको बाजंतीनी सिपाहियों ने जख्मी कर दिया है। बाला को तो सोफिया ने कत्ल ही कर दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला। सब लोग जख्मी होंगे, लेकिन बाला की मौत तारीख के मुताबिक अभी नहीं हुई थी। उस्मान की वफात के एक साल बाद बाला की मौत हुई थी, लिहाजा अभी तो वो किसी सूरत नहीं मरने वाली। और रही होलोफिरा की बात, तो तारीख के लिहाज से ये भी साबित है कि इसकी मौत भी अभी नहीं होगी, लिहाजा मुद्दाहों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस्त के ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस्मान बे ने बेगम खातून के भाई को थप्पड़ मारा है और वो गुस्से में जाकर करासी बे से मिल गया है। अब उस्मान बे के तमाम सरदारान उस्मान को छोड़कर करासी बे के साथ मिल गए हैं। इनमें गेंचा बे, बेगम खातून के भाई और बेहान बे शामिल हैं। अब सचमुच में ये करासी बे के साथ मिल गए हैं या फिर ये भी कोई उस्मान बे की साजिश है, इस बात के 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि उस्मान बे इस तरह की साजिश अक्सर ही करते रहते हैं ताकि दुश्मन की मंसूबाबंदी के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। बेगम खातून का राज भी गोंचा पर खुल गया है कि बेगम खातून बाला से शदीद नफरत करती है और उस्मान बे से शादी करना चाहती है। अभी हकीकत सुनने के बाद गोंचा खातून और होलोफिरा खातून के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे या अभी भी गोंचा खातून बेगम खातून की बातों में आती रहेगी? हमारे ख्याल में तो अब होलोफिरा और गोंचा के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि गोंचा खातून को बेगम खातून की तमाम सच्चाई का पता चल गया है। मजीद ये कि किस्त का ट्रेलर बहुत ही जानदार था। ट्रेलर ने आते ही मद्दाहों के अंदर किस्त को देखने की जुस्तजू पैदा कर दी है। सब बेचैनी से जानना चाहते हैं कि अगली किस्त में आखिर ऐसा क्या होगा कि सब लोग ही मार दिए जाएंगे। मजीद अगली किस्तों का रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।